अनपेक्षताम अनुपरुद्ध फलवत् भवेत् प्रकरणं ततः अब पुरुषे की पुरुषापराध यहाँ से शुरू हुआ। सकलः सकलो विचार इति वेदवद सकलः धर्म विषयो ब्रह्म विषयश्च इत्यर्थः। तो धर्म विषय विचार या ब्रह्म विषय विचार वेद विदा सबल स्वामी प्रवृत्या आहु धर्म जिज्ञासा सूत्र व्याख्यायाम वेद वेत्ता धर्म सबल स्वामी प्रवृत्ति सबल स्वामी जिन्होंने जैमिनी सूत्र पर भाष्य लिखा है वे और कुमारी भट्ट ये भी सब। तो धर्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या में उन्होंने ये कहा। तो अर्थात इति चेतः धर्म जिज्ञासा सूत्र की व्याख्या में अर्थात ये बात सिद्ध होती है कि विचार जो है जब वेद के द्वारा ज्ञान हो गया धर्म का तब तो उसमें विचार होता है। त्रिशामिति अभिप्राय प्रमाण अनपेक्षताम इति यहाँ लिखा अनपेक्षताम अनुपरुद्ध गिरफ फलवत् अनपेक्षताम अनुरुद्ध अनुपरुद्ध गिरफ फलवत् ये कोई भी प्रमाण जो होता है वो प्रमाण अभिज्ञात जो विषय विज्ञात नहीं है हाँ जिसका किसी अन्य प्रमाण से ज्ञान न हो और जो बाधित न हो। तो अनधिगत अबाधित प्रमाण प्रमेय अनधिगत अबाधित प्रमेय माने विषय का प्रतिपादन करने पर ही शास्त्र प्रमाण होता है। यदि वो अधिगत है तो भी वहां पर वेद की सार्थकता नहीं है। जैसे धर्म का ज्ञान यदि हमें प्रत्यक्ष और अनुमान से हो जाए तो हमें शास्त्र की क्या आवश्यकता। शास्त्र माने वेद। वेद की हमको इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि प्रत्यक्ष अनुमान से धर्म और ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता। वो प्रसिद्ध श्लोक है कि प्रत्यक्षानु मिथ्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदंत वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमान से जो उपाय विदित नहीं होता वह उपाय वेद से जाना जाता है। यही वेद की वेदता है। अर्थात वो अनधिगत है और अबाधित उसमें कोई बाध नहीं होना चाहिए। अन्य प्रमाण से
उसका निराकरण हो, उसी में प्रामाणिकता होती है। तो ये तो दोनों ही मानते हैं। अनपेक्षताम इति, अनपेक्षताम अनुपरुद्ध है, गिरफ फलवत भवेत प्रकरणम तदता। तो कहते हैं कि जो ग्रह, ग्रह माने हमारी जो वाणी है, ग्रह जो वेद वाणी है, वो अनपेक्षता अनुपरुद्ध है। अपनी अनपेक्षता माने बिना वेद वाणी के धर्म का या ब्रह्म का बोध नहीं हो सकता, वो अनपेक्ष नहीं है। उस अनपेक्षता का क्या हुआ, ये मतलब है। माने वेदांत ये धर्म का या ब्रह्म के ज्ञान के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं है, यही अनपेक्षता है। इस अनपेक्षता का अवरोध बिना किए जो वेदवाणी है वो फलवत होगी है। तो इसलिए प्रकरण की यहाँ पर आवश्यकता, इसकी व्याख्या है। सकरी सर्व विषय ब्रह्म विषय चेती वेद विदा सवर स्वामी प्रवृत्या आहु धर्म जिज्ञासा सूत्र व्याख्या अर्थात शेषा तेषाम एतदभिप्राय प्रमाणमाह अनपेक्षताम इति प्रथम मंत्रे औत्पत्तिक सूत्रे लोके शब्दस्य प्रमाणांतर मूलस्यैव प्रामाण्या तद्भावे अनवाप्त अनाप्तवाक्यवत् वेदा प्रामाण्यम आशंक अनाप्तवाक्यस्य अप्रामाण्यम न मूलाभावकृतम किंतु दुष्ट मूलतया दृष्टत्वेन स्वभावयुक्त स्वभाव प्रयुक्त प्रामाण्यम प्रामाण्य प्रतिबंधा वेदे तो पदपदार्थ संबंधस्य नित्यतया तथा वाक्यार्थ संबंधे अन्यानपेक्षणात् वेदस्वरूपस्य अपुरुषीयत्वाच्च पुरुषमूलता इत्यनपेक्षत्वेन तत् प्रामाण्यम् उक्तम्। यहाँ ये बताया कि उनका जो औत्पत्तिक सूत्र है, औत्पत्तिक शब्द से अर्थेन संबंध, ये पूरा सूत्र है। इसमें लोक में शब्द से प्रमाणांतर मूलस्य प्रामाण्यात् शब्द जो है दूसरे प्रमाण से सिद्ध होने वाली वस्तु में ही प्रमाण होता है। कहते हैं उसके अभाव में अनवाक अनाप्तवाक्यवत् वेदा प्रामाण्यम आशंक। क्यों आप तो यहाँ पर यह बतलाया कि जो सब